बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने अपनी बीमारी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। इसके इलाज के लिए वो जल्द विदेश जाएंगे। एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इरफान अब तक करीब 100 फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो भी कास्टिंग काउच के दौर से गुजर चुके हैं। इरफान ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच के दौर से गुजरना पड़ा था। दोनों ही डायरेक्टर्स ने काम के लिए साथ सोने का ऑफर दिया था। ऐसा नहीं है कि कास्टिंग काउच का सामना सिर्फ एक्ट्रेस को ही करना पड़ता है, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। ये मामले दोनों को ही फेस करने पड़ते हैं। हालांकि लड़कियों के साथ इस परेशानी से जूझना पड़ता है। कास्टिंग काउच काफी फोर्सफुली किया जाता है, यहाँ तक कि कई बार इसमें आपसे सहमति भी नहीं होती है, तब से काफी दर्दनाक हो जाता है। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।